भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के कुर्बन भैरवपुर बगीचे में 26 तारीख को डिलीवरी बॉय अजीत कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। जिस मामले में पुलिस ने गांव के ही दयानंद मंडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। वहीं दो अन्य अभियुक्त के बारे में भी पुलिस को बताया है कि वे लोग भी घटना में शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं घटना के कारण को लेकर उसने बताया कि गांव की ही महिला के साथ मृतक का अवैध संबंध था, जिसकी तस्वीर दयानंद ने खींच ली थी और वह लगातार महिला को फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिस पर दयानंद उससे बात करने के लिए बगीचे में गया था, जहां दोनों के बीच नोकझोंक हुई और दयानंद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए हथियार दबिया को बरामद कर लिया है। वहीं हत्यारोपी का खून से सना गंजी भी पुलिस ने बरामद किया है। संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट, PNP न्यूज, भागलपुर। हबीबपुर थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को एक भैरवपुर एरिया पड़ता है, जहां पे बगीचा में एक लाश बरामद हुई थी। तरीके से उसके हाथ पैर काटे गए थे और उसमें बच्चा भी था जिसके ऊपर खून की छींटे आए। तो उस जब अपराधकर्मी के लिए हमने पूछताछ करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि उस अपराधकर्मी का और मृतक का एक महिला के साथ में संबंध था। और इसी संबंध के दौरान में जो ये अपराधकर्मी जो पकड़ा गया है, इसने कोई किसी वीडियो फुटेज बना ली थी महिला की, जो जिसके बलबूते पे ये ब्लैकमेल कर रहा था महिला को। किस तरह का फोटो? कोई ऐसी फ़ोटो थी, साथ में फ़ोटो थी जिसे वो वायरल करने के लिए बोल रहा था कि महिला के परिवार वालों को दिखा दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए जो हमारे मृतक थे, मृतक अजीत यादव, ये बातचीत करने के लिए गए, अपने बच्चे के साथ में गए, तभी यहाँ पे इन्हें बैसा बैसी हुई और इनके साथ में दो और अपराधकर्मी, जो इनका नाम आया है, वो एक धारदार हथियार से इन्हें भगा के दौड़ा के इनके ना कई बार हमला किया और इन्हें मृत्यु कर दी, इनकी मौत के साथ उठाया। इसमें चार और ऐसे गवाह हैं जो हमें इनका नाम पता लगा है, जो इस घटनाक्रम को पूरे को देखे हैं, उनका भी बयान लेके माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी बयान कराई जाएगी। घटना में जो शामिल थे उसकी गिरफ्तारी एक ही हुई है ना? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके पास से जो उसने घटना के समय उसने जो पहना हुआ था, एक बनियान पहना हुआ था और जो खून से लथपथ था, उसे इसने धो दिया है, लेकिन उसमें कुछ अभी भी अवशेष है, उसके लिए हम शिनाख्त करके उसे भी जांच कराएंगे और उसके एक धारदार हथियार जो यूज किया गया है वो भी जब्त किया गया है। हथियार मिल गया। हाँ जी, उसी में हथियार।